अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल क्या है, राजनीतिक हलचल क्या है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। और मैं आरडी भारती, आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं आपके लिए आज जो लाया हूं आप सुनेंगे और उस पर सोचेंगे गंभीरता से। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि अयोध्या से एक अनुसूचित जाति की महिला क्रांति, जिसके पति का नाम बलजीत कुमार है, उनको शौचालय और आवास इसलिए नहीं मिला क्योंकि गांव के प्रधान ने यह कहा कि तुमने हमें वोट नहीं दिया है, तुम्हारे मोहल्ले ने हमें वोट नहीं दिया है। लेकिन अब तो लोकसभा चुनाव आ गया है, नेताजी उस मोहल्ले में कैसे वोट मांगने जाएंगे। मैंने अपने स्क्रीन पर उसका पूरा एड्रेस दे दिया है। मैं दलित सेना, भीम आर्मी, बहुजन समाज एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो भी वहां के विधायक हैं, सबसे आग्रह करूंगा, जनता अभी मालिक है और मालिक का फरमान आएगा, आप जरूर एक बार उनसे मिलें और उनकी समस्या दूर करें। अब न्यूज विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं, देश का जो राजनीतिक माहौल है, 7 चरण में चुनाव की घोषणा की गई है। इसमें सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2004 में 4 चरण में चुनाव हुए थे, 2009 में 5 चरण में चुनाव हुए थे और 2014 में 7 चरण में चुनाव हुए थे, 2019 में भी 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेताओं ने थोड़ा सा हंगामा किया, इस पे एतराज जताया कि 7 चरण में चुनाव क्यों हो रहा है, और ये एतराज वाजिब भी है और गैर वाजिब भी, हम दोनों पक्षों से बोलेंगे। गैर वाजिब इसलिए कि चुनाव आयोग अपनी सुविधा अनुसार 7 चरण में चुनाव करवाने जा रही है, लेकिन जब हम फैक्ट की जानकारी बताते हैं, जब लेते हैं, जब सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि चुनाव आयोग की यह सुविधा नहीं थी, यह तो सत्ता पक्ष ने अपनी सुविधा के लिए 7 चरण में चुनाव करवा रही है। कहिएगा कैसे, तो तमिलनाडु में 39 सीट पर चुनाव होना है और वहां पर मात्र 1 चरण में चुनाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बीजेपी का खाता नहीं खुलता इसलिए, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सीट चाहिए इसलिए पहला चरण अगर मिस कर गया तो दूसरा चरण में दबोच लेंगे, दूसरा मिस कर गया तो तीसरा चरण में दबोच लेंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री जी अपनी रैली भी करेंगे, उनके सुविधा अनुसार जहां जहां से बीजेपी को सीट चाहिए वहां वहां से 7 चरण में चुनाव होंगे। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बेईमानी भी नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग है, इनके मनसा पे हम संदेह कैसे करें, क्योंकि इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने कहा कि इस बार पारदर्शिता बरती जाएगी। पारदर्शिता में उन्होंने जो बताया कि ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन होगा और जब आप अपने पसंदीदा नेता को बटन दबाएंगे, जैसे कि आपका हाथी छाप है तो हाथी पर जब आप बटन दबाएंगे तो वीवीपैट मशीन में 2 मिनट के बाद वही हाथी जल जाएगा, यानी हाथी का सिंबल जल जाएगा, आप 2 मिनट रुक कर उसको देख लें, इसका मतलब है कि आपका वोट सही जगह गया है। ऐसी उन्होंने व्यवस्था किया है और राजनीतिक दलों को उन्होंने बताया है। लेकिन क्या जनता बेचारी है, महिलाएं हैं, कुछ गांव के लोग हैं, क्या वो 2 मिनट रुक कर चेक करेंगे कि हाथी पे गया या कमल पे गया या किसी और दल पे गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी पारदर्शिता दिखाई तो हम लोगों को विश्वास भी करना पड़ता है। लेकिन जो लोग जानते होंगे उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश में डेड ऑनेस्ट सबसे बड़ा ईमानदार एक चुनाव आयुक्त थे जिनका नाम था टीएन सेशन, और टीएन सेशन जब आए तो उन्होंने चुनाव आयोग की क्या ताकत होती है दिखाया, भी ईमानदारी भी दिखाई, ईमानदारी पर कोई सवाल किया नहीं जा सकता। परंतु रिटायर होने के बाद अहमदाबाद लोकसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा और हेलीकॉप्टर से पूरा दौरा किया। आपको आज बता देता हूं, वह हेलीकॉप्टर किसी और का नहीं, अंबानी बंधु का था, यानी कुछ रिश्वत रिटायरमेंट के बाद भी दिए जाते हैं,
जैसे कि बड़े बड़े जज साहब रिटायर होते हैं तो किसी आयोग के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं, कुछ बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर किसी न किसी आयोग में जाके अध्यक्ष बनते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब तक वह सीट पर होते हैं वह सेवा करते हैं, सत्ता पक्ष की सेवा करते हैं। मैं सीधे तौर पर उंगलियां नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ऐसा अनुभव में आया है, शायद आपके अनुभव में नहीं आया हो, लेकिन मैंने देखा है इस तरह का। अभी चुनाव है, हमें मुकाबला करना है। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, बहन मायावती जी चुनाव के दौर में है, प्रधानमंत्री की रेस में है, अगर उनको सीटें कम आती है तो वे लोग जिम्मेदार होंगे जो जातिगत पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं और जातिगत भावनाओं को फैलाते हैं, क्योंकि पूरे देश की आबादी है 130 करोड़। और बहन जी ने कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो सभी को पसंद करती है, और ऐसा ही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी में समेट लेते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश की तरफ देखना पड़ेगा, हर जाति हर वर्ग को देखना पड़ेगा, उसका दिल काफी बड़ा होना चाहिए, सबको ध्यान में रखकर चले। और मैं आपसे बता रहा हूं कि हमारे बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान केवल एससी एसटी के लिए नहीं लिखा था, जब संविधान लिखा तो सबको ध्यान में रखकर लिखा था। आप सच्चे अगर अंबेडकरवादी हैं तो बाबा साहेब के कहने के अनुसार ही चले, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को ध्यान में रखकर संविधान लिखा था और पूरे देश ने उनका संविधान अपनाया भी, विरोध भी नहीं हुआ। तो आप केवल बहन मायावती को एक जाति में समेट क्यों रहे हैं? अगर समेट रहे हैं तो कहीं कहीं से आप उन्हें छोटा बनाकर दिखा रहे हैं। मैं आपको पूरी चुनावी हलचल बताऊंगा और भी ये बताऊंगा कहां कहां से समस्याएं हैं, कहां कहां आपको लड़ाई लड़नी है और कौन कौन से दल ने क्या क्या अच्छा काम कर रहा है, सब बताऊंगा आपको, जानकारी में दूंगा, क्योंकि सारे के सारे लोग बीजेपी को विरोध करते हैं। बीजेपी में बहुत कुछ गलत भी हुआ, सही भी हुआ, 5 साल में जो कहा वो नहीं पूरा हुआ, लेकिन कम से कम अच्छा तो बोला, सबका साथ सबका विकास। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग बीएसपी समर्थक हैं वह भी कुछ ऐसे नारे दें कि बहन जी पूरे देश के लिए हैं और सबके लिए हैं और सबको मिलकर बहन जी को आगे बढ़ाना होगा। मैं आपको फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।